हाय एवरीवन, दिस इज माधुरी। कैसे हैं आप लोग? कैसे काय मजेद बरा है ना। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग गाइस। आज का वीडियो होगा लिप बाम के ऊपर, जो कि मैं एक रिव्यू छोटा सा रिव्यू करने वाली हूँ। और अभी तो लिप बाम की सख्त ज़रूरत है हम सभी को। एवरी वन वॉन्ट्स देयर लिप हाइड्रेटेड। सो इसके लिए मैंने सोचा कि ये वीडियो किया जाए, ताकि अगर आप ये लिप बाम ले रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये अच्छा है नहीं है, इसका अंदर का पैकेजिंग कैसा है। सो इसके लिए मैंने सोचा कि जो भी कुछ मेरा एक्सपीरियंस रहा है तो मैं आपके साथ शेयर करूँ। वैसलीन बहुत हो गया, ऐसा लगता है कि कुछ नया ट्राई करें। तो मैंने ही इसी सोच से ये लिप बाम लिया था, जो कि है ऑर्गेनिक हार्वेस्ट से। आप देख सकते हैं लिप बटर है एंड माय शेड इज़ लिली। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरे बाकी के वीडियोस देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में दे दूंगी। सो यू विल गेट टू नो मोर अबाउट मी। सो या विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड टू वीडियो। सो गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ऑर्गेनिक हार्वेस्ट लिप बाम, जो कि आप देख सकते हैं बुलेट टाइप ऑफ प्लास्टिक हार्ड पैकेजिंग में आता है, जो कि बहुत ही स्टर्डी है। एंड बेबी पिंक एंड नॉर्मल वाइट कलर की पैकेजिंग है इसकी, जो कि कलर है बहुत ही अच्छा सुंदर लग रहा है। गाइस, दिस इज द आउटर पैकेजिंग ऑफ दिस लिप बाम। इसे मैंने बहुत ही गलत तरीके से फाड़ दिया था एंड सॉरी फॉर दैट। सो ये जो है लिली का फ्लेवर है, ये 24 आवर्स मॉइस्चराइजेशन देता है। उन्होंने उनके ब्रांड के बारे में इसके ऊपर लिखा है। अगर इसके पीछे देखने के लिए जाओ तो उन्होंने लिखा है कि ये क्यों यूज़ करना चाहिए लिप बाम की, क्योंकि ये इंस्टेंटली ब्राइट कर देता है लिप्स को एंड समथिंग लाइक दैट। उनकी ब्रांड की तारीफ की है उन्होंने, और इंग्रेडिएंट दिया है जो आप देख सकते हैं, और यूजेस दिया है ये फ्री फ्रॉम पैराबेन, मिनरल ऑयल एंड एनिमल इंग्रेडिएंट से है। और इन्होंने गारंटी ये दी है गाइस, अगर आपको ये पसंद नहीं आया है प्रोडक्ट तो आप इसे रिटर्न भी कर सकते हैं। ये आपको दूसरा प्रोडक्ट दे देंगे या ऐसे कुछ है तो आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। शेड अगर आप देखने के लिए जाए तो ये है, आप देख सकते हैं ये डार्क फुशिया पिंक कलर का लग रहा है। जस्ट ट्विस्ट करना है एंड ओपन करना है आपको, एंड या ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखता है। एंड जस्ट व्हेन यू ट्विस्ट इट, ये लिपस्टिक की तरह बाहर आता है। आप देख सकते हैं ये फुशिया पिंक कलर है। मैंने सोचा था कि ये जो बेबी पिंक कलर है, ये जो लाइट कलर है, उसी तरह तरीके से लिप बाम होगा। एंड मुझे तो लिप बाम में शेड जो होता है ठीक लगता है, बट इफ़ यू गेट मोर कलर लाइक अ लिपस्टिक तो मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ये पैकेजिंग है, इसका प्राइस समथिंग 199 रुपीज़ है। इसका स्मेल जो है लाइक बचपन में हम जो पेन यूज़ करते थे एंड उसका जो एक फ्लोरल फ्रूटी सा स्मेल होता था, उसी टाइप का इसका स्मेल है। स्मेल का कुछ इरीटेशन नहीं है, लेकिन जितना इसका हाइड्रेशन मुझे चाहिए था तो वो मुझे नहीं लगा है इस लिप बाम में, जो कि एक्सट्रीमली हाइड्रेटेड नहीं लग रहे। इफ़ यू हैव अ वेरी ड्राई वेरी चैप लिप्स, देन मुझे नहीं लगता कि ये आपके लिप्स के ऊपर वर्क करेगा। अगर नॉर्मल से आपके हल्के से ड्राई होते हैं तो या इट कैन डू अ वर्क बेटर, बट मेरी तरफ से तो इसका जो शेड है, मतलब रात में सोने के टाइम पे भी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ लिपस्टिक अप्लाई करके सो गई हूँ, लेकिन सुबह तक इसका पिंकिश टिंट रहता है, जो कि टिंट का अगर बात करूँ तो उसका कुछ दिक्कत नहीं है मुझे, बट ये जो लगाने के बाद लिपस्टिक की तरह लगता है ये बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आया है। अगर आप को पसंद नहीं है कि आपके लिप बाम में कुछ शेडेड हो या आपके लिप बाम में कुछ डार्क कलर हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये पसंद आएगा। लेकिन अगर आपको आपके लिप बाम में लिपस्टिक की तरह ही काम करने वाला कलर पसंद है तो आप डेफिनेटली इस लिप बाम को पसंद करेंगे। लेकिन फिलहाल आई एम दैट पर्सन कि मुझे लिप बाम में हल्का सा शेड पसंद है, लेकिन वो दिख के नहीं आना चाहिए ज़्यादा गौड़ी करके कि कुछ आपने लगाया है करके, तो मुझे पर्सनली ये बात इसमें अच्छी नहीं लगी है। सो इसकी बात करूँ इसकी ट्रैवल फ्रेंडलीनेस की, तो ये मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ये ट्विस्ट करके आप जब इसे ओपन करते हैं और उसके बाद ट्विस्ट करके जब आप इसे लॉक कर देते हैं तो ये इतने अच्छे तरीके से लॉक होता है कि बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। ये बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली है और समथिंग 199 रुपीज़ इसकी प्राइस है, जो कि मुझे समथिंग कुछ डिस्काउंट में मिली थी 5% ऑफ और 179 रुपीज़, ज़्यादा कुछ नहीं, 15-20 रुपये कम हो गए थे। और ये मैंने शायद इतना टिंटेड लिप बाम मैंने पहली बार परचेस किया थी, तो मुझे लगा मेबलिन का जो बेबी लिप्स आता है तो मुझे उसी तरह से इसकी इनर पैकेजिंग होगी, लेकिन ये बहुत ही अलग तरीके से निकला।
मेरे फाइनल थॉट्स इस लिप बाम के बारे में यही रहेंगे, इट्स ओके ओके लिप बाम, नॉट एक्सट्रीमली हाइड्रेटेड, बट या नरिशमेंट देता है, ग्रीसीनेस नहीं देता है हमारे लिप्स को. बहुत ही ज़्यादा टिंटेड है, बट अगर आप सिंगल स्वाइप करोगे तो इतना ज़्यादा नहीं लगता है. आई हॉनेस्टली शेयर माई एक्सपीरियंस अबाउट दिस लिप बाम. हमारे थॉट्स अलग अलग हो सकते हैं, बट मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, फील किया है, मैंने आपके साथ शेयर किया है हॉनेस्टली. So yeah, that's it for the video, guys. I hope this video will be helpful for you guys. और इसी तरह से और भी मेरे वीडियो है रिव्यूज़ के बारे में, बहुत सारे प्रोडक्ट्स रिव्यू मैं करती हूँ. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना. एंड मिलते हैं ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो के साथ. तो चलिए, आपका दिन शुभ रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.